हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपके लिए और एक केक की नया एंड ब्यूटीफुल सा केक डिज़ाइन लेके आ गया। तो आज मैं इस वीडियो में एक ही नोजल से एक ब्यूटीफुल सा कलर कॉम्बिनेशन वाला बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक केक डिज़ाइन शेयर करने वाला हूँ। आप एक केक डिज़ाइन किसी की सेलिब्रेशन, बर्थडे या फिर एनिवर्सरी में बना सकते हो। बहुत ही प्यारा सा केक डिज़ाइन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए आप लोगों के पास। तो कोई भी केक में अगर डिज़ाइन देना है तो डिज़ाइन के पहले परफेक्ट होता है केक की आइसिंग। आइसिंग अगर परफेक्ट नहीं हो पाई तो डिज़ाइन कभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो केक की आइसिंग मैंने कर लिया, तो अब मैंने लिया हूँ स्पैचुला। जो स्पैचुला हम लोग केक के आइसिंग करने टाइम यूज़ करते हैं ना, वही स्पैचुला। तो इस स्पैचुला से आज मैं और एक नया डिज़ाइन सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो बस इसी से हमें कोई फ्लावर नहीं बनाना है, बस हमें इसको केक के ऊपर इस तरीक़ा से हल्के हल्के टैप करते जाना है, बस इस तरीक़ा से। और इसी में जो हमारा केक के ऊपर स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बहुत ही खूबसूरत सा और मस्त सा एक स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड एक डिफरेंट वाला भी स्ट्रक्चर है। बस कुछ नहीं है, इसको हल्का हाथों से इस तरीके से टैप करते जाना है। तो हमेशा तो हम लोग जो स्क्रैपर रहता है उसी स्क्रैपर या फिर जो ब्रश होता है उस ब्रश से केक के ऊपर स्ट्रक्चर देते आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक नया एंड डिफरेंट वाला स्ट्रक्चर भी दिखा दिया और डिफरेंट चीज़ों से भी दिखा दिया जो हम लोगों के पास अवेलेबल रहता है। तो अभी आता है डिज़ाइन के बारे। तो इस तरीक़े से मैं रोज़ बना लूँगी, और मैंने लिया हूँ N1 नोजल और मैं क्रीम में रेड कलर ऐड कर लिया। तो आप लोग चाहे तो इसमें N1 नोजल के बिना भी कोई भी रोज़ फ्लावर बनाने वाला कोई भी नोजल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का 4 फ्लावर्स बनाना है एक साइड पे, फिर उस 4 फ्लावर्स के पास में इस तरीक़ा से छोटे छोटे फ्लावर बनाते जाना है, एक चेन जैसा फ्लावर राउंड शेप में, जो साइड में हमारा और एक साइड में हमारा गैप रह गया ना, उसी गैप में इस तरीक़ा से बस कुछ नहीं करना है, पाइपिंग बैग को प्रेस करते छोड़ देना है। बस हमारा ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा केक डिज़ाइन ऊपर में बन के रेडी हो गया। और जो केक के नीचे के साइड जो डिज़ाइन होता है ना, बॉर्डर वाला डिज़ाइन जो साइड में केक के नीचे की तरफ होता है, तो उसमें मेरा कुछ नहीं करना है, बस एक ही ऊपर के एक साइड जो हम छोटे छोटे स्टार वाला फ्लावर बनाया ना उसी नोजल से, तो वही डिज़ाइन मैं नीचे के साइड में देना चाहती हूँ। तो इसलिए बस कुछ नहीं करना है, पाइपिंग बैग को प्रेस करते छोड़ना है इस तरीक़ा से हल्का हाथों से, और हमारा खूबसूरत सब डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, नीचे के साइड में जो बॉर्डर वाला डिज़ाइन होता है वो हमेशा छोटा फ्लावर बनाना चाहिए। इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों फ्लावर ही हाईलाइट होता है और बहुत खूबसूरत सा एक डिज़ाइन दिखता है। तो नीचे के साइड पर डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुके हैं। अब मैं वही नोजल से N1 नोजल से लिया हूँ वाइट क्रीम, और कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स मुझे बनाना है स्टार वाला वही नोजल से। बस ऊपर जो रेड फ्लावर मैंने बनाया ना छोटे छोटे वाला, वही टाइप का मैं वाइट फ्लावर बना लूँगी इस टाइप के। तो बस कुछ नहीं करना है। तो हमारा कंप्लीट हो चुके हैं डिज़ाइन। अब मैं पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम लिया हूँ और पाइपिंग बैग को छोटा सा कट कर लिया, और इस तरीके से छोटा छोटा बॉल बना लूँगी, बॉल जैसा वाइट बॉल जैसा बना लूँगी इस टाइप के, जो मिडिल में हमारा गैप रह गया था ना स्ट्रक्चर देने के बाद, जो दोनों साइड में मैं फ्लावर बना लिया और मिडिल में जो गैप रह गया था उस गैप में इस तरीके से मैं छोटा छोटा वाइट वाला बॉल बना लूँगी। और आप जो साइड में एक साइड में मैं चैन जैसा स्टार वाला जो रेड कलर की फ्लावर बनाए ना, उस फ्लावर के बीच बीच में इस टाइप का मैं छोटे छोटे वाइट वाला बॉल बना लूँगी, तो इसमें फ्लावर और भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। तो बस मैं नीचे के साइड जो चैन जैसा डिज़ाइन बनाया ना बॉर्डर वाला केक के नीचे की तरफ, तो उसी में भी मैं उस टाइप के वाइट जैसा बॉल बना दूंगी, क्योंकि मैं वो बॉर्डर वाला डिज़ाइन मैं रेड फ्लावर में बनाया, तो रेड फ्लावर के बीच बीच में अगर वाइट बॉल जैसा दिखे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आता है। एक लुक ही चेंज हो गया, आप लोग देख सकते हो, पहले से तो देखी हो केक की डिज़ाइन, तो अब कैसा केक की डिज़ाइन ही चेंज हो गया वाइट बॉल देने के बाद। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा और सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन है।
तो आप लोग किसी भी सेलिब्रेशन एनिवर्सरी बर्थडे में यूज़ करते हो। तो आज का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।